अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। क्या मेरे से प्रियत से होंगे। तो अभी एक मैच के लिए जा रहा था, तैयार हो गया था, लेकिन वो कह रहे कि सीनियर नहीं जूनियर है। तो आप सबको पता है कि मतलब अच्छा वाला मैच हो तो उसमें जूनियर में मेरी जगह नहीं होती डिफेंस में। तो इस वजह से देखिए मुझे नहीं दे रहे, बिल्कुल तैयार भी हुआ था। देखिए आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर संडे कोई टूर्नामेंट बनेगा हमारे गाँव में, पिछले संडे शुरुआत हुआ है तो कल दोबारा टूर्नामेंट बनने वाला है। तो उसके लिए अभी पिच की तैयारी होने वाली, इससे कि सारे जा रहे, बाकी पिच तो सही हुआ था, मतलब उस पर पानी उस दिन ज़्यादा फेंका था, मतलब बिल्कुल बैठ गया, डस्ट भी नहीं कर रहा है। और अभी थोड़े उसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा उसको सही करेंगे। तो बस चलो उसके लिए तैयार हो गए, मैं मैच के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अब सारे उधर जा रहे हैं तो सोचा बस आपके साथ वो भी शेयर कर दो। इंशाल्लाह कल मैच होगा टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट के बाद फिर व्लॉग अच्छे बनेगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल सुबह कॉलेज गया था लेकिन मोबाइल नहीं लेकर गया था यार, उधर रिस्क ज़्यादा होता है। मैं टीचर के पास रख रहा होता हूँ लेकिन फिर भी यार रिस्क होता है, मतलब टीचर से टूट जाए या फिर कुछ हो जाए तो जिम्मेदार मैं होऊंगा। तो इस वजह से बस यार इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, कभी कभी मतलब दिल कर होता है। एक मोबाइल के बगैर मेरा मूड ऑफ होता है, क्योंकि मैं हर टाइम मोबाइल यूज़ कर होता हूँ, सिर्फ व्लॉगिंग नहीं मतलब बाकी यूज़ भी करना होता है, व्हाट्सअप वगैरह, क्योंकि मैं सिम वाला मोबाइल नहीं यूज़ करता, सिर्फ ये यूज़ करता हूँ व्हाट्सअप वाला। तो मतलब व्हाट्सअप पर लोग मिस करते हैं, किसी ने कोई यूट्यूब से रिलेटेड बात करनी हो, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पर मिस करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और साथ में व्लॉगिंग करता हूँ, मतलब जहाँ पे एक्टिविटी हो तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इस तरह सीन होता है मेरा, मतलब मोबाइल के बगैर जीना मेरा मुश्किल हो गया। तो बस वो भी नहीं लेकर गया था, मूड ऑफ था, लेकिन कभी कभी मजबूरी को भी देखना चाहिए। तो इस वजह से तो बस चलो अभी कल चित वापस हो गया, जा रहे चंगेज दुकान की तरफ। चंगेज दुकान में आप हमारा ग्राउंड बन गया, पहले यहाँ होता था देखिए कहते खराब कर दिए, अब मेरे में उसमें कुछ उगाएंगे नहीं उगाएंगे ये नहीं पता, अब हमारा हुआ पे ग्राउंड है, पक्का ग्राउंड वहाँ पर बन गया, दो नेट वहाँ पे लगाते हैं। बाकी देखिए ये सारे जा रहे नजर तो सही वहाँ पर वो ग्राउंड बना रहे थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब ग्राउंड बन सकता तो अभी फुटबॉल के लिए आ गए। तो चलो आपके साथ फुटबॉल का मैच शेयर करते हैं। कि सनसेट का टाइम होने वाला है, बस सनसेट के लिए तकरीबन आधा घंटे रहते हैं, आधा घंटे यहाँ पर फुटबॉल खेल लेंगे।